दर्जात बुलंद करे, अल्लाह जो उनके घर वाले हैं उन्हें सब्र अता करे, और अल्लाह हमें हिम्मत दे कि जिस तरीके से हमने पहले दहशतगर्दी के इस नासूर को अपने यहाँ से ख़त्म किया, ये जो एक नई दहशतगर्दी की लहर हमारे ऊपर मसलत करने की कोशिश की जा रही है हमारे दुश्मन मुल्क से, अल्लाह हमें लड़ने की, अल्लाह हमारी अफवाज पाकिस्तान के जवानों की जिंदगियां दराज करे, उन्हें अपनी हफाजत में रखे, अल्लाह हमें लड़ने की, अल्लाह हमारी अफवाज पाकिस्तान के जवानों की जिंदगियां दराज करे, उन्हें अपनी हफाजत में रखे, और हम इस नई दहशतगर्दी की जो लाइन है, लहर है, इससे हम कामयाब भी हो सकें और दुनिया के सामने एक दफ़ा फिर सुरखरू हो सकें कि जब जब दहशतगर्दी हो या किसी मुसीबत ने इस कौम को पुकारा है तो हमारे बेटों ने आगे बढ़ के वतन अजीज़ को उसके दिफा के लिए अपनी जानें, अपना माल, हर चीज़ कुर्बान की है। अब मैं आता हूँ जो मौजूदा पॉलिटिकल सिचुएशन है उसके ऊपर। आपके सामने है जो पॉलिटिकल सिचुएशन चल रही है इस टाइम पाकिस्तान के अंदर, किसी से ढकी छुपी नहीं है। पॉलिटिकल सिचुएशन है क्या, मैं सादा लफ्ज़ों में, आप दोस्त तो बहुत ज़्यादा जानने वाले होते हैं क्योंकि आपका ये पेशा है, आपका ये कारोबार है, आपका ये मशगला है या आपकी नौकरी है, जो भी आपने इसको लफ्ज़ कहना है, आप जानते हैं, पढ़ते हैं सियासत से, सहाफत से, आपका रोज़ का ये ओढ़ना बिछोना है। लेकिन जो घर में बंदा बैठा है उसके लिए बात करता हूँ। आज हो क्या रहा है, आज दो पार्टियां हैं बड़ी और उनके साथ एक मौलवी साहब, वो सीना ठोक के कहते हैं कि हम मेंबरान खरीद रहे हैं, वो सीना ठोक के आपको बताते हैं कि एक वो सियासी बच्चा, वो जो मार्च कर रहा है उस मार्च के अंदर लोगों को खड़ा होके मार्च पे, और आपने हेडलाइंस चलाई हैं, वो ये बताता है कि यूसुफ रजा गिलानी का जो इलेक्शन था वो ट्रेलर था, अब आपको असल बात दिखाएंगे, मतलब जो उसके बेटों ने खरीदो फरोख्त की थी वो ट्रेलर था, अब आपको बड़ी खरीदो फरोख्त करके दिखाएंगे। तो इमरान खान के बारे में ये बात कहते हैं कि इमरान खान अब गया, कल गया, सुबह गया, क्योंकि हमने खरीदो फरोख्त कर ली है। तो जो इस कौम में थोड़ी बहुत वैल्यू रह गई थी, शर्म हया रह गई थी करप्शन के खिलाफ, खरीदो फरोख्त के खिलाफ, ज़मीर फरोशी के खिलाफ, उसे पहले तो लोग छुप के छांगा मांगा में लोगों को ये ले जाते थे, छुप के खरीदो फरोख्त करते थे, अब ये सीने पे हाथ मार के कहते हैं कि हाँ हम खरीदो फरोख्त कर रहे हैं, बल्कि ये भी बताते हैं मैंने 8 खरीद लिए हैं, मैंने 12 खरीद लिए हैं, मैंने 24 खरीद लिए हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि उन्होंने इतना गंद डाल दिया है सोसाइटी के अंदर कि अब लोग इस पे सवाल नहीं पूछते, बल्कि बहुत सारे लोग इस पे कहका लगाते हैं। अब टॉक शो में हमसे सवाल होता है कि क्या वाकई आपके लोग 12 उन्होंने खरीद लिए हैं, और जो खरीदने वाला होता है वो साथ बड़ी डिटाई से बैठा, बड़े फख्र से हंस रहा होता है, और एंकर साहब कहते हैं देखें इनका कॉन्फिडेंस, देखें ये हंस रहे हैं आपके बंदे, इन्होंने खरीद लिया हमें पता है। और दोबारा सोचो किस नबी की उम्मत हो, दोबारा सोचो किस लीडर ने ये मुल्क बनाया था। इधर आपको पता चल जाए कि गरीब आदमी ने पैसे दे के चौकीदार की नौकरी कर ली है, आप उसको पूरे गांव में जब तक गधे पे बिठा के ना फिरा लो तो आप उसकी जान नहीं छोड़ते। ये को माड़ा साफी किसी बंदे से गाड़ी में तेल डलवा ले, आप सारी जिंदगी उसकी खबर नहीं कहते जी, ऐसी खबर अनरिलायबल नहीं रह गई है, पैसे ले लेने। स्वाब के मेंबर पार्लियामेंट के बिकने और बेचने की बातें हो रही हैं, और आप उन शर्मों को बिठा के ये कह रहे हैं कि इनकी बॉडी लैंग्वेज बड़ी पॉजिटिव है। तो एंकर साहब, सहाफी साहब, मेरे कौम के जवानों सारे, सिर्फ सहाफी नहीं बाकी आवाम भी, क्या आप अपने बच्चों को भी ऐसा ही खरीदो फरोख्त वाला बनाना चाहते हैं? ये तरबियत कर रहे हैं नेशनल टीवी पे बैठ के। अब ये खरीदो फरोख्त के लिए पैसा चाहिए, ये भी बताया आपको, तो ये पैसा कहां से आता है? आप भी तो काम करते हैं ना, आप भी तो सारी जिंदगी पढ़ा है, काम किया, किधर से आता है ये पैसा करोड़ों रुपए में खर्च करने पे? मैं आपको बताता हूं,
पाकिस्तान बना, कायदे आजम रहमतुल्लाह अलैह अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे ज्यादा देर नहीं रह सके, लियाकत अली खान साहब ज्यादा देर नहीं रह सके, उसके बाद भुट्टो साहब आए, उन्होंने आइन दिया, इसी का लिया जाता है ना बार बार आपको 73 का आइन, हमने आइन दिया। उन्होंने आइन दिया पर अगले ही दिन बता दिया, अगले ही दिन मैं ये लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं कि इन्हें इस्तेमाल नहीं करना, ये किसी बुजुर्ग से पूछ ले, जिस दिन आइन दिया उसके अगले ही दिन उसी आइन ने जो आपको ताकत दी थी वो सारी सस्पेंड कर दी। जिस दिन 73 का आइन दिया उससे अगले दिन जो आइन ने आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच, ये आपको जो बताते हैं जर्नलिस्ट पुराने कि हमने कूड़े खाए हैं, हमने ये किया है, भुट्टो साहब के जमाने में भी ये होता रहा है, उनसे पूछें वो आपको बताएंगे। अगले दिन सहाफियों पे पाबंदी, अगले दिन सियासतदानों, आइन दिया दिखाया फिर कहा इसको इस्तेमाल नहीं करना, फिर ये आ गए इन्होंने जो किया। लेकिन आपका गोल्डन टाइम, क्योंकि आप, मैं इसे गोल्डन कहूंगा, जब आप स्टैंडर्ड ये सेट करने हैं कि खरीदने वाला, जमीर खरीदने वाला कॉन्फिडेंस से बैठा टेलीविजन पे हंस रहा है, जड़ा लुचा ओ ना ही उचा, तो जब आपने स्टैंडर्ड ये बना दिया तो मैं आपका गोल्डन टाइम कहूंगा 2008 के इर्द गिर्द, वो कौन सा टाइम था? वो टाइम ये था कि जब पाकिस्तान के अंदर रजीम थी और उन्हें चलाता कोई बाहर से था, जब पाकिस्तान अपने आप को सॉवरन कंट्री कहता था लेकिन पाकिस्तान के फैसले कोई और करता था, जब पाकिस्तान के अंदर एक ऐसी रजीम बैठी हुई थी, यही जो गला फाड़ फाड़ के, जिसको निशाना और निशानी के फर्क का नहीं पता, इसने इस मुल्क में पॉलिटिक्स करनी जिसकी जुबान इसे नहीं आती, इसने इस मुल्क में लीडर बनना है जिस मुल्क की इसको जुबान नहीं आती, और इतना नालायक है कि पिछले 10-12 साल से सीख रहा है। मैं टाट स्कूल से पढ़े हैं, असी 14 साल अंग्रेजी सीख ली सी, हिसाब करने वाली सीधी सीधी, टाट स्कूल से उठे थे, छठी जमात में पहली दफा पता चला था कि एबीसी लिखनी सीखनी है, बड़ी एबीसी लिखनी सीखी, उसके बाद पता चला उन कमबख्त छोटी एबीसी भी लिखनी सीखनी है, तो हमने 5 सालों में अंग्रेजी सीधी कर ली थी। ये किस कदर नालायक बच्चा होगा, और आप सोचे हमने अंग्रेजी सीखी थी जहां हमारे जो टीचर अल्लाह उनके इकबाल उनकी इज्जतें बुलंद करे, वो बेचारे भी अंग्रेजी नहीं बोलते थे, हमारे माँ बाप भी नहीं बोलते थे, हमारे मोहल्ले वाले भी नहीं बोलते थे, तो हमें सुनने को नहीं मिलती थी, गाँव में हमारे टीवी के ऊपर CNN भी नहीं चलता था, दूरदर्शन आता सी कभी कभी एंटीना हिला के, तो PTV आता, तो हमें तो अंग्रेजी सुनने को भी नहीं। आप जुबान सुन के बोलते हैं, बच्चा माँ की बात सुन के बोलता है, इसीलिए आप उसे कहते हैं बेटा कहो बाबा, फिर वो वापस रिपीट करता है, तो हमें तो सुनने को नहीं मिलती थी, इस नकम्मे नलायक को तो 24 घंटे उर्दू सुनने मिलती है, तो ये कितना नलायक होगा बच्चा कि ये पिछले कई सालों में 2 अशरों में या 1.5 अशरे में उर्दू नहीं सीख सका। तो एक तो पहले लीडर बाद में बना लीजिएगा, इसे पहले अच्छा स्टूडेंट बना लें, पहले इसको उर्दू सिखा लें। तो इनके वालिद की हुकूमत थी जो गोल्डन टाइम था आपका, बाहर के मुल्क से बैठ के ये मुल्क कंट्रोल होता था, इनका एक सफीर था जिसने 400 से ज्यादा एजेंटों को यहां वीजे दिए, पाकिस्तान की सड़कों के ऊपर वो दंदनाते फिरते थे, रेमंड डेविस आपको याद होगा अच्छी तरह से, जो पाकिस्तानी मारे आपको वो भी याद होगा, एक बीबी बहुत बोलती है उनके बाप ने, फिर उनको अल्लाह उनको जन्नत रिसीव करे उनके वालिद को, लेकिन उन्होंने मिल मिला के जो सब कुछ किया था वो आपके सामने है। पाकिस्तान के ऊपर रोज ड्रोन अटैक होते थे, और आपको पता है जब ड्रोन अटैक करते थे तो जब वो मारता था स्ट्राइक तो पायलट क्या कहता था, आपको ये पता है कि पायलट क्या टर्म यूज करता था जब आप पे ड्रोन अटैक मारता था? पायलट आपको कहता था बग स्प्लैट, कीड़ा मकौड़ा, वो टर्म में कहता था कीड़ा मकौड़ा मार दिया है, जो वो वायरलेस में कहता था, ये मैं नहीं कह रहा, ये रिकॉर्ड का हिस्सा है, कीड़े मकौड़े थे आप, रोज आपके ऊपर ड्रोन अटैक होते थे, क्या कहता था जरदारी उनको कि आप करें पब्लिकली, मैं और स्टांस लूंगा, मुझे कोलेटरल डैमेज की कोई परवाह नहीं है,
क्या आपने किताबों में नहीं पढ़ा कि पाकिस्तानी पकड़ पकड़ कर दिए गए? वो जंग जिसमें हमारा कुछ लेना देना नहीं था। ये मेरे जैसे बंदे को कहते हैं हम अमरीकी एजेंट हैं जो यहां से पढ़ने और चार पैसे कमाने गए थे वहां। अमरीकी एजेंट तो तुम लोग हो जिन्होंने यहां से लूट के सारा पैसा वहां रखा हुआ है। तो आप मुझे बताएं कि उस टाइम क्या 70 सालों में किसी की स्पाइन में यह तड़ थी कि खड़ा होके कहे? एब्सोल्युटली नॉट। मेरे दोस्त अभी मेरे से बात कर रहे थे, इन्हें सब अच्छा चाहिए। सब अच्छा कोई नहीं दे सकता। तो सुबह आप आईने में खड़े होते हैं तो आपको लगता है अगर अल्लाह मियां मेरा कद थोड़ा और बड़ा कर देता, बाल और अच्छे बना देते, क्या ही बात थी। तो आप अल्लाह मियां पे भी खुश नहीं है पूरे के पूरे। तो इमरान खान पूरा खुश नहीं कर सकता, लेकिन इमरान खान ने आपको वो दिया जो आपको 70 साल में नहीं मिला। आज आपकी फॉरेन पॉलिसी यहां बनती है। पिछले 4 साल में किसी ने अमरीकी फौज को मेमो क्यों नहीं लिखे अपनी फौज के खिलाफ? बताएं, जवाब दें। पिछले 4 साल में ऐसा स्कैंडल क्यों नहीं आया कि अमरीकी फौज को मेमो लिखे जा रहे हैं अपनी फौज के खिलाफ? यह खुद से ही हो गया है। वो बुखार चढ़ा था जो पैनाडोल खा के ठीक हो गया है। पिछले 4 साल में आपको जब आपका वजीर आजम कश्मीर में जाता है तो आप लोग क्यों नहीं बीपर दे रहे होते? तब तो दे रहे थे कि फॉरेन ऑफिस की सारी कोशिशों के बावजूद नवाज शरीफ कश्मीर पे बात नहीं कर रहे। मैंने नहीं, आप लोग बात करते थे टीवी पे, या तो कहते आप झूठ बोलते थे तब। अब आप क्यों नहीं कहते कि इमरान खान जा रहा है कश्मीर का नाम नहीं लेना जा रहा? ये आप लोग बताते थे, या तो आप झूठे थे तब या आज आपको खुल के बोलना पड़ेगा। ये जब अमरीका जब जाता था हिंदुस्तान नवाज शरीफ तो आप लोग हमें क्यों बताते थे कि हुर्रियत से नहीं मिलेगा और फिर वो वाकई नहीं मिलता था, आपकी स्टोरी सच होती थी। आप लोग फिर अचानक ब्रेकिंग न्यूज देते थे कि जंदाल के घर पहुंच गया, हमें लगता था ये झूठ हो गया, ऐसे झूठी स्टोरी दे रहे हैं आप। वो स्टोरी सच होती थी। मुल्क का वजीर आजम हुर्रियत को इनकार करके हुर्रियत की लीडरशिप को जंदाल के पास पहुंचा होता था। ये हम नहीं, आप बताते थे हमें सारी बातें। आपके मुल्क के 80,000 लोगों को शहीद कर दिया गया इन तोहफों ने, जो कहते हैं हम अब खरीद के दोबारा आएंगे, जो शापरों में पैसे डाल के फिर रहे हैं ना, 80,000 बंदा इन्होंने शहीद करवाया। शहादतें होती हैं, जिंदा कौमों की शहादतें होती हैं। आप मुझे बताएं, आपकी कब्र की कोई बेहुर्मती करे आप होने देंगे? आपके भाई की, आपके बच्चे की, आपके बाप की कब्र की बेहुर्मती करे आप होने देंगे? शहादत होना बड़ी बात नहीं अगर आप लड़ रहे हैं तो, हमारे मजहब का हिस्सा है ये। लेकिन आप पैसे लेके एजेंट बन के शहादतें करवाएं लोगों की, फिर गालियां भी खाएं उनसे, फिर बग्स प्लाट कहलवाएं उनसे, फिर कहें कोलेट्रल डैमेज की कोई फिक्र नहीं है, फिर अपनी आर्मी के खिलाफ मेमो लिखें, कहें कि हमारी आर्मी ने ये कर देना अगर आपने हमें हेल्प ना किया, फिर डॉन लीक्स करें बैठ के, आप अपनी आर्मी के खिलाफ खबरें लगवाएं आप न्यूज़पेपर्स में, ये आप क्यों नहीं होता? शहबाज गिल बड़ा मोमन है, प्राइम मिनिस्टर का मीडिया देखता है, वो आर्मी के खिलाफ बात नहीं करता। ये फवाद चौधरी साहब बहुत अच्छे हैं, वो आर्मी के खिलाफ बात नहीं करते। नहीं, ऊपर इमरान खान बैठा है जो मुहिब्बे वतन है, जो हर पाकिस्तानी से भी मोहब्बत करता है और अपनी आर्मी से भी मोहब्बत करता है। इसलिए कोई आज के दिन तक 4 साल हो गए, एक दफा बताइए कि इमरान खान अब यूके वालों को यह फोन कर दिया आर्मी के खिलाफ, अमेरिका वालों को यह तार भेज दी है। तो लोगों को सोचना पड़ना है कि ये शाम में बेशर्म बैठ के कहते हमने इतने खरीद लिए हैं। हमारी तो रवायत यह थी, जो रिश्वत लेता था उसके घर खाना नहीं, न्याज नहीं भेजते थे हम लोग उसके घर, उसके घर की न्याज नहीं लेती थी यह सोसाइटी। तो किधर पहुंच गए आज बेशर्मों की तरह बैठ के कहते हैं हमने 12 खरीद लिए। $150 अरब का आपकी मईशत को नुकसान हुआ, 80,000 लोग आपके शहीद हुए, और बड़े फखर की बात थी, स्ट्रेटेजिक डेप्थ थी ना। जो शख्स पाकिस्तान को रंडी खाना कहता था माजरत के साथ, उसके साथ नवाज शरीफ मिलके तस्वीरें खिंचवाता था, और उसकी बेटी कहती थी अगले दिन, हा क्या सफारती तलकात कायम कर रहे हैं हम, क्या एडवांटेज ले रहे हैं हम, आपको वो चाहिए दोबारा?
वो भी खरीदारी के साथ। आपने कारगिल के ऊपर दुश्मन को जाके गले से दबोच लिया और इधर एक प्राइम मिनिस्टर बैठा हुआ था, पता नहीं उस दिन पाए ज्यादा खा लिए थे कि मोशन लग गए, यहां नहीं बैठ सका। आपको पता है बड़े आप फन्ने खां इस टाइम बने हुए हैं, तो मैं आपको आपकी औकात याद दिलाऊं, क्योंकि आपके पास भी वही पासपोर्ट है जो मेरे पास है। आपकी औकात यह थी कि आपका प्राइम मिनिस्टर भाग के उस दिन अमरीका चला गया था, बिल क्लिंटन उसे मौका नहीं दे रहा था मिलने का। आपको होटल का कमरा नंबर बताऊं जहां बैठ के शिकागो के एक डॉक्टर को आपका प्राइम मिनिस्टर मिन्नतें कर रहा था कि मेरी मुलाकात करा दो खुदा का वास्ता है, और वहां जाकर कहता था मेरी आर्मी, ये आर्मी ने किया, मैंने नहीं किया। मिन्नतें करके उसके बाद उसका टाइम लिया और उसको कहा सब कुछ देते हैं और अपने जवान शहीद करवाए, वो चाहिए वापस खरीदो फरोख्त करके। सो कहने की बात यह है कि पाकिस्तानियों को सोचना पड़ेगा। महंगाई तो पूरी दुनिया में है, यहां भी होनी है जब पूरी दुनिया में होनी है। जो हम कर सकते थे आपके सामने किया है, जब 20 रुपए तेल ऊपर हुआ आपको 10 रुपए नीचे करके दिया है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये इनके प्रेशर में किया है, मैं अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के कहता हूं इस पे 4 महीने से काम हो रहा था, मैं इन्वॉल्व था इस काम में, मैं उन लोगों से मिला था जिनसे हम ये डिस्कस कर रहे थे, प्राइवेट सेक्टर से बात करके ये किया है। इसमें हम बड़ी देर से, क्योंकि हम IMF के प्रोग्राम में, हम एकदम से ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं कर सकते थे जिसका घाटा पड़े हमें। हमने ऐसे तरीके से मैकेनिज्म करना था कि हमारा IMF का प्रोग्राम भी इफेक्ट ना हो। तो आपने महंगाई, तो जो आपको खुददारी मिली थी, सॉवरेनिटी दी है इमरान खान ने, पहली दफा पिछली कई दहाइयों के बाद पहली दफा 70 साल में आपको एक वजीर आजम मिला जो कहता पाकिस्तान का फैसला पाकिस्तान में होगा, जो कहता है पाकिस्तानी की इज्जत, पाकिस्तानी की जान उसे अजीज है, जो किसी से डिक्टेशन नहीं लेता, जो कहता है मैं अमन में पार्टनर हूं, मैं जंग में पार्टनर नहीं हूं। कुछ ख्याल करो, कुछ सोचो, इन बेशर्मों की बातें सुनते हैं आप जो कहते हैं जी दसो माई बाप की करना है, किन्नू मारना है। अच्छा अब आप मुझे कहेंगे कि ये गिल साहब खामखा आके धुआंधार किस्म की बकवासियात फरमा रहे हैं, हर पाकिस्तानी मुहब्बे वतन होता है, क्या नवाज शरीफ साहब के दिल में दर्द नहीं है? तो नवाज शरीफ साहब ये क्यों करेंगे? बिल्कुल ये बात सच है, जब नवाज शरीफ साहब को उनकी वालदा माजदा ने पैदा किया था तो मेरी और आपकी तरह का ही पाकिस्तानी था, दर्द होगा। लेकिन जदों तुसीं लुट के माल किसे दे कोल रख दे हो, फिर उसके खिलाफ स्टेटमेंटा नहीं दित्तियां जांदियां। यहां तो किसी के पास आपने कमेटी डाली हो तो उसके साथ अच्छे तरीके से बात करनी पड़ती है कि पहली आपकी निकाल देगा। तो जिसके साथ लूट के पैसा रखा हुआ है आप उसको कह सकते हैं एब्सोल्युटली नॉट? वो आपको अगले दिन बताएगा एब्सोल्युटली यस, सिर्फ एक स्टोरी लीक करेगा, आपके बैंक अकाउंट्स में लगी हुई जाली टीटियां दिखाएगा और आप इधर पकड़े जाएंगे। तो आप फैसले करते हैं फिर वो जो आपको आपके आका बताते हैं जिनके पास आपने पैसा रखा हुआ है। आपको लगता है इमरान खान ये कह सकता है कि मैं अमन में पार्टनर हूं आपकी जंग में पार्टनर नहीं हूं? अगर इमरान खान का पैसा वहां होता ये कह सकता था इमरान खान? कभी नहीं कह सकता था। इमरान खान का पैसा बाहर होता मैं ऐसे खड़ा होकर आपसे ये बातें कर सकता हूं? खुदा की कसम नहीं कर सकता अगर ऐसा होता तो। ये बातें आसान है गैरत की, हमीयत की, इज्जत की, नेशनल सॉवरेनिटी की, इसकी कीमत भी देनी पड़ती है और इमरान खान तैयार है कीमत देने के लिए। हमें पता है ये पैसा कहां कहां से लग रहा है, ये जो खरीदो फरोख्त की बातें कर रहे हैं हमें पता है कहां कहां से हो रही है। इमरान खान हर कीमत अदा करेगा लेकिन कंप्रोमाइज नहीं करेगा, ना आपको NRO देगा, ना आपके जो आका है उनके कहने पे काम करेगा, काम वो करेगा जो पाकिस्तान की खुदमुख्तारी के लिए है। तो पहली बात तो ये है, ये जमा खातर रख ली जाए। दूसरी बात अब आपको पॉलिटिकल कर दूं, इन्होंने दही जमाई थी, 48 घंटे की डेडलाइन दी थी ना, ऐसा ही लगा सी दही जमाया इन्होंने, अब वो दही पानी भी छोड़ गया है। अब हमें बताएं इस दही की लस्सी बनानी है या इसमें से मक्खन निकालना है? इस दही का कुछ करो वरना इन्हें खराब हो जाना पे होए। आपको लगता है कि कोई आपसे पैसे लेके इमरान खान के खिलाफ वोट देगा?
आपको लगता है कि कोई मेंबर कौमी असेंबली अपने ऊपर ये दाग लगवाएगा अपने सीने पे? किसको नहीं पता कि अब ये डोरें कहां से हिल रही हैं? पाकिस्तानी थोड़े कमड़े सही मान लिया, पर मुहिब्बे वतन है आम पाकिस्तानी। आपको लगता है कि आप अब पैसा फेंकेंगे तो एमएनए उठा लेगा और वो आके आपको वोट देगा? नहीं देगा कोई एमएनए आपको। आपको जवाब मिल गए इसीलिए आप लेट हुए हैं। ये मैं आपको बता दूं, तैयारी थी इनकी लाने की, ये जो तजबजब हुई है ना, आपको जवाब दे दिया लोगों ने, आपको कहा निकलो है तो। हमने अपने कई एमएनए को प्रूफ दिखा दिए कि पैसा कहां से आया है, वो मीडिया के सामने नहीं रख सकते बदकिस्मती से, और कौन इनको टेलीफोनों पे और कहां कहां से क्या क्या मैसेजेस आ रहे हैं, किस किस एम्बेसडर को मिलकर ये क्या बातें कर रहे हैं। तो एमएनए भी इसी मुल्क के हैं, अभी इसी मुल्क के शहरी हैं। ज्यादातर जो आम पाकिस्तानी है ना, 99% वो पाकिस्तान की खुददारी पर, पाकिस्तान की सालिमियत पर जान देने को तैयार है। तो जो आप ढूंढ रहे हैं वो नहीं मिलना। लेकिन आपको वाशगाफ एक बात बताना चाहते हैं, हम कीमत देने को तैयार हैं। जो हमने अपनी सॉवरेनिटी का चैलेंज लिया है कि पाकिस्तान के फैसले पाकिस्तान में करेंगे, इसकी जो भी हमसे कीमत लेना चाहेगा हम इसकी कीमत देने को तैयार हैं। कंप्रोमाइज इस पर नहीं होगा। और आपको अगली खबर सुना दें कि आपके वोट पूरे नहीं होने तो हुकूमत इधर ही है, कहीं नहीं जा रही। और तीसरी बात आपको मैं कह दूं, ताकि आपको ये बात याद रहे और ये रिकॉर्ड का हिस्सा रहे, कि जरदारी को लगता है कि वो वोट खरीद लेगा, जैसे ये माजी में करते रहे हैं। अवाम उस टाइम इसलिए साइड पे रहती थी कि अवाम को पता था दोनों कंप्रोमाइज्ड हो, दोनों ने लूटा हुआ पैसा बाहर रखा हुआ है, दोनों की डोरियां किसी और के पास हैं, दोनों के अपार्टमेंट्स कहीं और के पास हैं, दोनों के सरे महल और के पास हैं। एक लंदन में जाली बीमार बनता है तो दूसरा न्यूयॉर्क में कहता है मैं ज़हनी मरीज हूं, पागल हूं, वहां का सर्टिफिकेट लेता है। अवाम कहता था कि ये इनका जो रोना है आपस में गंदे लोगों का, ये जाने इनका काम जाने, हम इनके पीछे क्यों खड़े हों? क्योंकि अवाम की बात करने वाला कोई नहीं था तुम दोनों में से, इसलिए तुम लोग एक दूसरे को डसते थे, एक दूसरे को काटते थे या खरीदो फरोख्त करते थे। पाकिस्तान का आम शहरी कहता सी सानू की। पर अब आम पाकिस्तानी को पता है कि ये जिस इशारों पे कर रहे हैं, जिस पैसे के साथ कर रहे हैं, वो इस कौम के जिस बेटे के खिलाफ इस्तेमाल होने लगा है या होने की कोशिश की जा रही है, उथे सानू सब कुछ है। बिकॉज वो पहली दफा हमारी इज्जत, हमारी फॉरेन पॉलिसी, हमारी सॉवरेनिटी के ऊपर खड़ा हुआ है। तो इसलिए आप ये मत सोचिए कि अवाम रिस्पॉन्ड नहीं करेगी। एक तो आपका ये, तो हम अपनी इंशाल्लाह हिकमत अमली से आपको फेल करेंगे असेंबलियों में। अब आप देखें आपको किस तरीके से जूते बाम से जब आप इलेक्शन में जाएंगे। ये जो आपने फखर से कहा ना हम खरीदते हैं वोट, ये जो आपने खड़े होकर कहा है ना उसके ऊपर कि ट्रेलर है अब और खरीद के दिखाएंगे, ये अब आप देखिएगा अवाम आपके साथ करती क्या। अवाम बदल चुकी है, अवाम को शऊर आ चुका है कि तब्दीली बिल्कुल रातों रात नहीं आ सकती, वक्त लगेगा। लेकिन हम कम अज कम इन चोरों के पास जो मुल्क की सॉवरेनिटी को अपने उन आकाओं के हाथों में रखते हैं जहां लूट के पैसा रखा हुआ है, कम अज कम मुल्क की बागदौड़ हम इनको नहीं दे सकते। ये वो कौम है जो भूखी रह लेगी लेकिन गुलाम नहीं बनेगी। हमारे बुजुर्गों ने अपने गले 1947 में इसलिए नहीं कटवाए थे, हमारी माओ ने अपनी इज्जतें इसलिए नहीं तब लुटवाई थी कि हम दोबारा गुलाम बने। बन लिया हमने गुलाम 200 साल के लिए, दोबारा आप जैसे स्टूजिस के गुलाम नहीं हम बनते आपके आकाओं के। अब इस धरती की माएं इमरान खान जैसे बेटे पैदा करती रहेंगी। आपका सूरज गरूब हो गया, इमरान खान को अल्लाह लंबी जिंदगी दे, उसके बाद एक और इमरान खान आएगा, उसके पीछे एक और आएगा। आप इस धरती की माएं इमरान खान जैसे बेटे जनेंगी, बहुत हमने देख लिया आप जैसे बेटे जन के जो उसके नुकसान हुए। आपके सवाल आज जी। नहीं,
नेशनल इंटरेस्ट में बहुत सारी चीजें की जाती हैं, करने को क्या है, बहुत आसान है, बोलना आसान होता है, रोकना मुश्किल होता है, ये नेशनल इंटरेस्ट की बात है, वरना बड़ा आसान है, वो मुश्किल नहीं है। मेरे ख्याल में आप यहाँ रहते हैं लाहौर में, मैं दोबारा बताता हूँ। देखिए बात यह है कि तजिया और चीज़ होती है, खबर और चीज़ होती है। ये आपका तजिया है, खबर ये है कि जिसका प्रूफ हो। जी जी, मैंने दोबारा तजिया है ना, गुफ्तगू से तजिया कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इमरान खान बिल्कुल घबराए हुए नहीं है, उन्होंने ये कहा कि हांडी में उबाल है। उबाल का लफ्ज हमारी सोसाइटी में हमेशा तब यूज होता है जब कुछ ना हो और उबाल हो। तूफान का लफ्ज इस्तेमाल होता है जब कुछ खराब होना हो। उबाल जब किसी को कहें तो होता है कि हांडी च उबाल है, चाय दे कप च उबाल है। तुहानू भी पता, घर जड़ा उबाला आंदा उसने बंब नहीं फटदा। उबाल तो बाद भाभी साहब जड़े होंदे ने जनाब वास्ते दा ढक्कन चुकदे ने, हर शायद थले बह झग, हर शायद ही झग थले बह जाती है, फिर जनाब वास्ते उहदे विचों चाय दा कप बनता है तो वह नोश फरमाते हैं। इसी उबाले तो कभी परेशान नहीं हुई था, चौधरी साहब ने यही फरमाया। और चौधरी साहब बड़े जीरक सियासतदान ने, उन्होंने तुहानू भी थोड़ा जिहा घूमण घुमाइया च पाया, थोड़ी देर वास्ते नून वाले राजी भी किया, तो अगले दिन शहबाज शरीफ कहते हैं मेरे नाल चंगी नहीं की मेरी रोटी की उन्होंने दावत। चौधरी साहबान जो है वो आपके खाने की दावत बिल्कुल कबूल करते, अगर वो आपको जानते ना होते, पहली दफ़ा टेस्ट करना होता। जो कुछ आप इस ख़ानदान के साथ कर चुके हैं, जितने इनके आप पे एहसान थे और जो आपने इनको वापस दिया था, ये पहले आपकी बड़ी रोटियां खा चुके हैं, आप उनमें भी हौसला नहीं बेचारों में। उन्होंने बड़ी आपके लिए कुर्बानियां दी, लेकिन जो आप उनके साथ करके गए थे वो आप अभी तक भूले नहीं है। जी सर, आपने बड़े कॉन्फिडेंस के साथ बताया कि हुकूमत नहीं जा रही, कुछ नहीं हो रहा, सब कुछ ठीक चल रहा है, और एक साल जो है वो भी निकालेगी, अगले पाँच साल भी इमरान खान के मामला सारे ठीक है। भूचाल क्यों आया हुआ है, हुकूमत में रहते हुए आप रैलियाँ निकाल रहे हैं, क्या मुझे साहब फिर कर रहे हैं, यहाँ पे आपके मिनिस्टर जो दिन में चार चार प्रकाशन कर रहे हैं, ये भूचाल क्यों है, ऐसी क्या अफरत? देखिए बात यह है कि पहली बात तो हम हुकूमत में रह के रैली नहीं निकाल रहे, जहां हम रैली निकाल रहे हैं हम अपोजिशन में हैं, और अगर हम वहां रैली नहीं निकालेंगे तो हमारे वोट, हमारा जो वोटर है, हमारा सपोर्टर है, वो सोचेगा कि भाई हमें इग्नोर कर रहे हैं, हमारे भी तो मामलात हैं। जहां पर अभी तक 4 से 5 तो जर्नलिस्टों को कत्ल कर दिया गया है, और उसमें से बहुत सारे जो हैं वो पीपल्स पार्टी के लोग हैं, इन्वॉल्व निकल आए बाद में, वहां जर्नलिस्ट को इंसाफ नहीं मिलता, शहरियों के साथ क्या हो रहा है, और हम वहां बोले ना तो जो हमारा वोटर सपोर्टर है वो कहेगा कि ये आप हमारे हकूक नहीं किसी ने देने। पहली बात, मैं पहले सवाल का जवाब दे दूं, तो एक तो हम वहां हुकूमत में नहीं है, हम वहां अपोजिशन में, तो हम जहां अपोजिशन में हमारा काम है ये। दूसरी बात ये प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की, अगर हम कौम को बताएंगे नहीं तो फिर ये तो स्कूल के बच्चों को जाके हमजा शहबाज ने कहा था बच्चों करप्शन होती है, इसको होते रहने देते हैं। आप अपने घर में बच्चे के सामने किसी को गाली नहीं देने देते, जनाब ने भी बच्चों को कहा होगा बेटा सच बोलते हैं, और हमारे बच्चों को स्कूल में जाके हमजा शहबाज कहता है बच्चों करप्शन होती है, होते रहने देते हैं। तो आप चाहते हैं कि हम ना प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, इनका मकरूज चेहरा लोगों को ना दिखाएं, आप चाहते हैं यहां पर दोबारा वही काम हो जो पहले ये दोनों टब्बर करके गए? नहीं, हमारा काम है आवाम को बताना कि कहां थे और आज वहां से कहां आए। इमरान खान ने जो इस कौम को दिया है वो फख्र दिया है, हमारा काम है वो बताना, क्योंकि हमारी कन्विक्शन है इस बात के साथ। तो इसलिए कोई बचाल नहीं आया, लेकिन जब आपको कोई ललकारता है तो आपने जवाब देनी होती, तो जवाब दे रहे हैं।